कर्म जो है खाली कर्म ना हो, योर एवरी कर्मा मस्ट बी ए होलिस्टिक कर्मा, देयर मस्ट बी ए टिंज ऑफ होलीनेस इन एवरी कर्मा। इसीलिए मैंने कहा कि संसार में जो तुम्हें अनुभव करना है उसमें ये तीन चीज जोड़ लेना, साधना सेवा संकीर्तन, साधना सेवा संकीर्तन, उसके बाद तुम्हें संसार मिलेगा। संसार में सेवा को अपने जीवन का एक अंग बनाए रखना है। इस संसार में आए हो, दुख भोगने के लिए तुम्हारा जन्म बिल्कुल भी नहीं हुआ। अज्ञानी ने ये शब्द बोले होंगे या तुमको सुनने में अज्ञानता लगी होगी। तुम्हारा जन्म हुआ है उस परम सत्य को जानने के लिए। तुम्हारा जन्म हुआ है जो भी तुम्हारे जीवन में आए उसको अधिक से अधिक प्रेम देने के लिए। जितना प्रेम, अनकंडीशनल लव तुम दे सकते हो वो एक दूसरे को देना है। तुम्हारा जन्म हुआ है जो भी पॉजिटिव है, जो भी अच्छा है, उसको इस स्थूल शरीर से अनुभूति करो और उसी के साथ साथ अपने सूक्ष्म शरीरों को अनुभव करते हुए उनको क्या जरूरत है उनकी भी अनुभूति होनी चाहिए। द सटल बॉडी नीड्स होलीनेस, द फिजिकल बॉडी नीड्स grossness. So every gross need which you have, it should be combined with the holiness. इसीलिए जो कर्म करते हो वो खाली gross कर्म ना हो, it should be a holistic karma. It should be what? Holistic karma. Full of love, full of spirituality. तो मैसेज मिला। अब जो आपको चाहिए आज ही से ये विश्वास ले लो कि मुझे मिल गया। अब जो बाधाएं उस मार्ग में, क्योंकि कोई व्यक्ति जो है वो सुपात्र है उसको फल को प्राप्त करने के लिए, कुछ कोई सुपात्र नहीं है। और सुपात्र बनने के दो ही तरीके हैं, साधना और सेवा। साधना से कर्म कटता है, सेवा से कर्म करता है, निष्काम सेवा। जो पुराना मुहावरा था उसको जीवन में उतारो। पुराना मुहावरा था नेकी कर और उसको रटना नहीं, उसको डायरी में मत नोट करो, कुएं में डाल। कुएं में डालने का मतलब उसको भूल जाओ, जिसका भला किया उस व्यक्ति को भी भूल जाओ और जो भला किया वो भी भूल जाओ। नहीं तो कहते फिरोगे। बहुत से लोग आके बोलते हैं, बाबा जी हमने तो दुनिया का बड़ा भला किया, लेकिन जिस जिसका भला किया उसने हमारे साथ बुरा किया। अगर तुम उसको याद रखोगे, तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें लगेगा वो उतना भला कर ही नहीं रहा, क्योंकि मापदंड है। इट इज ए कंडीशनल सेवा। कंडीशनल सेवा जो है वो हमेशा दुख को देती है। तुम अपने आप से पूछो कि ये जो सेवा मैं कर रहा हूं, ये मैं अपना रिलेशनशिप बढ़ा रहा हूं या मैं आध्यात्मिक उन्नति चाह रहा हूं। रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए आप करते हो तो वो तो शेयर मार्केट में आप 100 रुपए का शेयर खरीदते हो, वो भी 2 रुपए का रह जाता है। तो किसी की अगर सेवा करी है तो हो सकता है वो भी दगा दे जाए। इट इज ए शेयर मार्केट, नफा नुकसान लगा ही रहता है। लेकिन ये जो भगवान की शेयर मार्केट है, इसमें 100% नफा है। नेकी कर, कुएं में डाल।